गुड मॉर्निंग, अस्सलामुअलैकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट हैं, एनर्जेटिक हैं? क्या बात है, क्या बात है। राइजिंग पाकिस्तान को हम कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान में वेलकम वेलकम वेलकम। इस पहले ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवानी है अनाया से, और अनाया आज एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे, बहुत ही मासूम, बहुत ही पीसफुल से प्यारे से परिंदे की बात करने जा रही हैं, जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं कबूतर, पिजन। भैया मैंने कहा पिजन पे क्या प्रेजेंटेशन हो सकती है? अनाया कहती तो सीख अंकल, वेट वेट वेट, कल शो में बताऊंगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आ जाना सुबह। सो अनाया पिजन पे जनाब एक प्रेजेंटेशन बना के आई हैं। बाहर तो हम सब मतलब कबूतर से वाकिफ हैं, लेकिन नहीं मालूम कि बच्चे हमें कब क्या किस चीज़ में सरप्राइज कर जाए। इनसे सीखने को, नया जानने को इतना कुछ मिलता है इस बच्चों के सेगमेंट में, जिसमें इस पहले ब्रेक के बाद आपकी मैं अनाया से मुलाकात करवाऊँगा। और क्या है जी आज के राइजिंग पाकिस्तान में? राइजिंग पाकिस्तान में ये दो कुर्सियाँ बड़ी अहम कुर्सियाँ, क्योंकि इन पर बैठ के हम आपके लिए पॉजिटिविटी लेके आते हैं, गुड न्यूज़ लेके आते हैं। और ये सेगमेंट आपका फेवरेट सेगमेंट है इसलिए कि इसमें हम पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी, जहाँ कोई भी कोई अपनी छोटी सी दुनिया में कुछ बड़ा सा कर रहा है, कुछ अच्छा सा कर रहा है, वो रौनक बढ़ाता है राइजिंग पाकिस्तान की गुड न्यूज़ सेगमेंट की। तो गुड न्यूज़ का सेगमेंट होगा, एंड ऑफकोर्स ये ब्लू मैट इस बात की गम्माजी करता है कि यहाँ पर होने वाली है एक्सरसाइज। ट्रेनर काशिफ, गुरु काशिफ आएंगे, और मुझे नहीं मालूम कि आज उनका टॉपिक क्या होगा। तो सिक्स आप ठहर जाए, हमेशा आपको पहले बता देता हूं तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं। आज मैंने आपको कुछ सरप्राइज करना है, लेट्स सी काशिफ ऐसी क्या चीज़ है जो बता नहीं रहे और सेगमेंट में आज होने वाली है। एंड ऑफकोर्स यहीं इन्हीं दो ब्लू कुर्सियों पर हमारी मुलाकात होगी आज मुस्तफ़ा रिजवी से, और सेगमेंट है हमारा मूवी, और मूवी में आज पाकिस्तान के एक ऐसे लेजेंडरी फिल्म स्टार की हम बात करने वाले हैं कि जिनकी मौजूदगी ने हमारे सिनेमा को वो ट्विस्ट दिया, वो रंग दिया कि जब भी रंगीला साहब स्क्रीन पे आते थे, स्क्रीन सज जाती थी। और इतनी वर्सेटिलिटी, इतनी इनोवेशन, एज ए डायरेक्टर भी उन्होंने फिल्में बनाई, अदाकार के तौर पे तो हम उनके नाम और काम से वाकिफ हैं। तो आज हमने फीचर करना है रंगीला साहब को राइजिंग पाकिस्तान में, उनको ट्रिब्यूट देना है मुस्तफ़ा के साथ। और जनाब हमारा ये जो मेन सेगमेंट होगा, इसमें आपकी मुलाकात हमने लेके जाना है आपको कराची सेंट। पीटीवी कराची में हम गए, आपको मालूम है कि हमने वहाँ बहुत से स्टार्स से मुलाकात की, और ये जो रेप्लिका हमने कराची सेंटर में सजाया उसमें हमारी मुलाकात हुई हुमायूं अशरफ से, आपके जाने पहचाने और आपके पसंदीदा, बड़े अच्छे मजे हुए, प्यारे प्यारा सा काम करने वाले गुड स्कूल बॉय लुक वाला एक्टर। मुझे बड़ी खुशी हुई, हमारे जो यंगस्टर्स हैं जो इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पाकिस्तान का जो ड्रामा इंडस्ट्री है उसकी बैकबोन है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत समझदारी से अपने करियर्स को भी डिज़ाइन कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। सो हुमायूं अशरफ से बड़ी कैंडिड मज़ेदार गुफ्तगु रही जो आज के राइजिंग पाकिस्तान में टुवर्ड्स द एंड हमने आपके साथ शेयर करनी है। ये सब मेरे मेरी टीम के पास आपके लिए। चलते हैं, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद मैं, अनाया और एक प्यारा सा कबूतर। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान, मेरे साथ मौजूद है द वन एंड ओनली मेरी क्लास फेलो अनाया। वालेकुम सलाम। क्या होना था? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये तो मेरी, देखे ना ये जो ट्रेनर काशिफ की जो सनग्लासेस आज मैंने उधार ली हैं, तो इनका असर ऐसा हुआ कि अनाया जो है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम में ऐसे फंस के रह गई है। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं तुम्हें कहीं ट्रैप कर लेता हूँ। अनाया माशाल्लाह यू आर सो कॉन्फिडेंट। लेकिन मैंने आपको भी ट्रैप किया हुआ है कई बार टीजर्स में, ऐसा वैसा ट्रैप किया हुआ है, इसलिए मैं कोई मौका जाने नहीं देता कि मैं भी कभी जरा जवाबी कार्रवाई करूं। और ये आपने देखे कैसे मेरी सन शेड्स जो है इनका कलर अनाया के कपड़ों के साथ मैंने मैच किया। अच्छा अनाया, क्या है जी आज का टॉपिक? आज है कबूतर। कबूतर, पिजन। ओके जी बताइए जी उसके बारे में हमें। चलें जी स्लाइड्स की तरफ चलते हैं, अनाया की स्लाइड्स। वाओ, ये तो दो कबूतर मुझे नजर आ रहे हैं, एक ने व्हाइट शर्ट, ये तो व्हाइट एंड ब्लू कबूतर है, और एक ऑरेंज कबूतर है।
ओ ये वाला भी आ गया। अच्छा पेजेस कितना एंग्री है और मैं कैमरे की तरफ देख रहा है। कैमरे की तरफ देख रहा है, ये साइड पोज दे रहा है। अच्छा जी बताइए, पिजन्स आर स्मार्ट। ये स्मार्ट इसलिए होते हैं, अगर आप इनको एक पाले ना पिजन, इनको आपका घर का रास्ता याद हो जाता है। सीरियसली? जी। वाओ अच्छा, ये कहीं उड़ जाए तो अपने घर वापस आ जाते हैं। जी, अगर आप इनको बाहर भेजे ना कहीं, को घर का रास्ता पूरा याद होता है। घर का रास्ता याद होता है, यार ये तो जबरदस्त आपने मुझे बात बताई। अच्छा जी आगे क्या है? यूजलेस मैसेंजर इन द पास्ट। अच्छा याद करें थे, किंग्स और क्वींस जो होते थे ना, एक कबूतर की जो है ना टांग पे ये बांध देते थे एक मैसेज, और इसको जो है ना फ्लाई कर देते, फिर ये मैसेज वहां कन्वे कर देता था। रियली? जी। और ऐसे मतलब अपनी चोंच में खत पकड़ के वाकई ले जाता था। अच्छा तो सी अंकल आपको पता है क्या कबूतर की आवाज क्या होती है? क्या होती है? मैंने आपसे पूछा आप बताएं। अच्छा क्योंकि मैंने आपसे पूछा आप बताएं, वो ये बात भी सही है। यहाँ तो असीक अंकल की कम्युनिकेशन जीरो हो जाती है जब अनाया सामने बैठती है। मतलब है, सवाल अनाया ने मुझसे किया, मैं जवाबी सवाल नहीं कर सकता नो। अच्छा इसकी आवाज होती है। जी मुझे एक पोएम याद आई इससे। बताइए कौन सी? अच्छा कबूतर का गुटर गु, कबूतर बोला गुटर गु गुटर गु गुटर गु, या अल्लाह मैं क्या करूं दो अफरा के कुंभे को, आखिर मैं कैसे पालूं, क्या लाऊं खाने को, क्या डालूं उनके मुंह में, किस किस से फरियाद करूं, किस किस से दाना मांगूं, रोता कुड़ता रहता हूं गु 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 गु। वाओ कितनी मजेदार पोएम, मेरी पहली बार सुनी है। अच्छी आपने याद की भी और आपने सुनाई भी बहुत अच्छी। अच्छा भाई कबूतर के ऊपर और प्रेजेंटेशन में हमारा कोई है स्लाइड? जी। पिजन्स आर वेरी इमोशनल। अच्छा अगर ये अकेले है ना तो ये डर जाते हैं, फिर जो ना अगर ये डर जाते हैं ना तो ये मर जाते हैं। रियली? जी। अकेले मतलब इमोशनली डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर इनके साथ कोई कबूतर दोस्त होना तो ये जो है ना बड़ा अच्छा टाइम गुजारते हैं साथ, अगर हम उनके साथ हो तो ये बड़ा अच्छा टाइम गुजारते हैं। अच्छा इसका मतलब ये है कि हमें अपने घर में अगर हमने कबूतर रखे तो उनसे थोड़ी सी गपशप करते रहने चाहिए ना, बातचीत करें, हेलो भाईजन क्या हाल है आपके, ठीक है, आज मौसम बहुत अच्छा है ना, और देखो चिड़िया आई थी तुम्हारे लिए पैगाम दे के गई है कि फिर चक्कर लगाना किसी वक्त, इससे गपशप हमें करनी चाहिए है ना। ओके ओके। There are almost 344 species. Really? जी। 344 किस्में हैं कबूतरों की दुनिया में। देखिए कितनी प्यारी प्यारी हैं। बहुत प्यारी प्यारी। अच्छा तुम्हारा फेवरेट कौन सा वाला है? मेरा वो ब्लूइश वाला। ब्लू वाला? अच्छा मुझे तो यार मुझे व्हाइट, प्योर व्हाइट है ना वो बड़ा प्यारा लग रहा, मोटू सा है ना कितना क्यूट है। वैसे वो ऑरेंज और रेडिश वाले जो टोन है वो भी बड़ी खूबसूरत लग रही है। Beautiful, beautiful. अच्छा मेरा ख्याल था बस ये दो तीन किस्मों के होते हैं, ये वाला तो बहुत ही प्यारा है भाई। Can live up to 15 years. अच्छा ये 15 years के लिए तो रह सकती हैं अगर ये बाहर रहे ना, लेकिन अगर आप इनको अपने घर में रखें तो ये दो तीन साल में मर जाती हैं। मैं आपको एक और भी चीज़ बताती हूँ। बताइए बताइए। जो है ना अगर आप अपने घर में भी रखें ना, इनको बाहर बेचते रहे आप, तो ये जो है ना ज्यादा रह सकते हैं। इंटरेस्टिंग, यानी कि एक्चुअल 15 साल तक उम्र हो सकती है कबूतर की, लेकिन अगर वो आजाद फजा में हो, अगर उसको हम पिंजरे में कैद करके रखेंगे तो वो 3 साल के अंदर फड़क सकते। लेकिन मैंने जो आपको स्लाइड में बताया था ना, एक ये स्मार्ट होते हैं तो इनको हमारे घर का रास्ता याद होते हैं ना, तो इनको आप बाहर भेजते हैं तो ऐसा मजा करके वापस आ जाते हैं। जबरदस्त आइडिया नाया ने दिया है ना, क्योंकि उनका घर का रास्ता याद होता है तो हमें इन्हें आजाद फजा में जरूर उड़ाना चाहिए। जो कि कबूतर पालते हैं लोग, वो वाकई उनको आजाद फजा में उड़ाते हैं, वो चक्कर लगा के वापस आ जाते हैं, फिर वो उधर रहते भी हैं और ज्यादा टाइम रहते हैं। Exactly. और उनका लाइफ स्पैन भी ज्यादा हो जाता है। जी। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। व्हाट पिजन्स ईट? ग्रेन्स, सीड्स, बेरीज, फ्रूट्स, इंसेक्ट्स, स्नेल्स, ब्रेड, क्रम्स, पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न भी खाते हैं। अच्छा इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं भाई जो हम इंसान भी खाते हैं। देखो फ्रूट्स भी हम इंसेक्ट्स नहीं खाते, हम सीड्स, ब्रेड क्रम्स, पॉपकॉर्न, स्नेल्स भी हम नहीं खाते, ग्रेन्स, फ्रूट्स। ओके तो ये सारी चीजें हम कबूतर को खिलाते हैं। सीड्स तो हम खाते हैं। सीड्स हम खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं। अच्छा जी एक और स्लाइड भी है मेरे ख्याल अनाया की। Human eat pigeons. Oh my gosh.
ये तो बड़ी तुमने खतरनाक स्लाइड दिखा दी अनाया, इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन में तुमने कबूतर को ज़िबा कर दिया, वो देखो बेचारा। अच्छा मुझे तो नहीं अच्छा लगता जब हम ना ये बर्ड्स को स्पैरोज, टर्की, पिजन्स और चिड़िया और बटेरे, इनको जब हम ज़िबा करके खा जाते हैं मेरा दिल बड़ा उदास होता है। आपको कैसा? लेकिन वो खुश होते हैं। हे, ज़िबा होके खुश होते हैं? वो कैसे यार? मुझे कोई बटेरा मिलवाओ जो कहे मैं ज़िबा हुआ था, बड़ा खुश हूँ मैं आजकल। अच्छा तो आपको बर्ड्स पालने का शौक है घर में? है? अच्छा, एनिमल्स या बर्ड्स? Are you an animal person or a birds person? Animal, birds, dono. Dono. Very good, very good. Actually, slide ek aur hai na ya ki ya puri ho gayi hai? Khatam ho gayi. Acha, bhi badi zabardast presentation thi Anaya. Thank you so much. Khush rahe, aap jeeti rahe. Aur ye dekhe na, ye Kashyap uncle ki aane ki zara dobara. Wow, abhi aayenge. Abhi aayenge? Nahi, abhi to abhi aayengi Rebecca aunty. उनसे हम गुड न्यूज का सेगमेंट करेंगे। अभी काशिफ के आने में देर, अभी उसकी ऐनक में यूज कर सकता हूं है ना ब्रेक पे जाने से। अगर वो आपका शो देख रहे हो, ओए वाकई मेकअप रूम में हो सकता है देख रहे हो। चलो कोई बात नहीं, उनसे मैं कोई मुकमुका कर लूंगा। थैंक यू नया, हैव अ ग्रेट डे। हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। राइजिंग पाकिस्तान में ये जो बच्चों का सेगमेंट है ना, ये ऐसा मेरा बूस्टर लगाता है ना, एनर्जी लेवल्स को लुत्फ आ जाता है। रही मेरे साथ एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद गुड न्यूज। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे। रेबेका हमारे साथ मौजूद है, लाई है आपके लिए तीन अच्छी अच्छी खबरें। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम रेबेका। गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम तौसीफ, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। देखिए मैं आपके लिए लेकर आती हूँ अच्छी अच्छी खबरें, गुड न्यूज। ये आप बच्चों के सेगमेंट में क्या कर रहे होते हैं? मतलब रेबेका आंटी, मतलब वो जो दिल पर गुजरी ना। अच्छा हाँ, वो गुजर गई। तो जाहिर है आप अनाया हाँ। की बड़ी बहन ही लगती हैं। बड़ी तो बहन ही लगती हूँ मैं। हाँ, वैसे देखिए अब तौसीफ साहब ने भी कह दिया, अब तो सब मान ले के बड़ी बहन लगती है। रेबेका बाजी, बाजी साउंड्स गुड। या रेबेका खाली? हाँ रेबेका खाली भी बहुत अच्छा है, बाजी भी बहुत अच्छा। ये जो आंटी है ना, ये दिल को दुखाने वाली बात। ओके अनाया, रेबेका आंटी नहीं, रेबेका बाजी। ओके अच्छा वैसे मेकअप रूम में मैं इसकी आप ही होती हूँ। ये जो ऑनियर आती आंटी हो गई ना, ये मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा जी क्या खबरें? बड़ी जबरदस्त खबरें। बढ़ते आज की पहली गुड न्यूज के जाने। वैसे तो पेंडेमिक का जब भी हम सोचते हैं तौसीफ, तो वो यकीनन पूरी दुनिया में एक मुश्किल वक्त था और पाकिस्तान पर भी एक मुश्किल वक्त था। लेकिन पाकिस्तान में उस वक्त भी बहुत कुछ अच्छा हो रहा था। पाकिस्तान ने पेंडेमिक के दौरान 30 मिलियन पेयर ऑफ जीन्स एक्सपोर्ट किए हैं। जी हाँ, जब सारी दुनिया की इंडस्ट्री बंद हो चुकी थी, तब हमारी हुकूमत ने लॉकडाउन में स्मार्ट लॉकडाउन से काम को जारी रखा और इसके रिजल्ट्स अब आना शुरू हो चुके हैं। अब पाकिस्तान के पास तमाम इंटरनेशनल ब्रांड्स के जो है वो ऑर्डर आने लगे हैं, क्योंकि मेड इन पाकिस्तान जीन्स की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। एब्सोल्युटली, न सिर्फ अब पसंद किया जा रहा है बल्कि रेबेका कभी इंटरनेशनली ट्रैवल करते हुए मुझे शॉपिंग का मौका मिले किसी गारमेंट्स और जाके किसी बड़े से ब्रांड के अंदर, ऐसे ना पीछे से देखो मेड इन पाकिस्तान लिखा हो तो वहाँ पे ऐसा जरा बंदा ऐसे ऐसे हो जाता है थोड़ा सा। ये अलहदा बात कि इधर पाक रुपीज को छोड़ के उधर जाके हम डॉलर और पाउंड के अंदर पाकिस्तान की चीजें खरीद रहे होते हैं, लेकिन वो डॉलर और पाउंड खर्चते हुए दिल खुश हो रहा होता है, इसलिए कि आप एक्चुअली पाकिस्तान की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। डेफिनेटली। सो बिल्कुल बड़ी जबरदस्त खबर है। और हमारी गारमेंट्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो तो पूरी दुनिया में मशहूर है। और सबसे अच्छी बात यह कि अब हम इंटरनेशनल, जैसा कि आपने बताया, इंटरनेशनल एसओपीज और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करने लगे। उसमें सिर्फ फैब्रिक की क्वालिटी नहीं होती, वो फैब्रिक या वो गारमेंट किस तरह से प्रोड्यूस हुआ, उसमें जो एम्प्लॉयज थे, जो वर्कर्स थे, उनकी सेफ्टी और हेल्थ का ख्याल रखा गया नहीं रखा गया, जो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक है उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे मीट किया गया नहीं किया गया, ये सब चीज़ें कहना आसान होती हैं लेकिन पाकिस्तानी इंडस्ट्री ने इनको अचीव किया है माशाल्लाह। और देखिए जब हम बात करें तौसीक पेंडेमिक की, कोविड की, तो उस टाइम में भी अच्छा शायद हम लोग सोच रहे थे कि थोड़ा बहुत कहीं काम हो रहा है स्मार्ट लॉकडाउन, अब उसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बड़ी खुशी दे रहे हैं। Exactly. बढ़ते हैं आज की सेकंड गुड न्यूज़ की जानिब। अली सतपारा बिलाशुबा पाकिस्तान का फ़ख्र है। उनसे मोहब्बत रखने वाले अली सतपारा को मुख्तलिफ तरीके से ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। आमिर सॉल्ट आर्टिस्ट है और उन्होंने अली सतपारा को अपने आर्ट से ट्रिब्यूट पेश किया है। आमिर ने अपने हीरो को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए बर्फीले इलाके का चुनाव किया और बेहद खूबसूरत अंदाज में अली सतपारा को फीचर किया है।
ये देखें तौसीक, एग्जैक्टली उन्होंने उनको फीचर किया, ब्यूटीफुल। आप ये देखें एक एक तस्वीर में, एक एक स्लाइड में हम आपको दिखाते जा रहे हैं कि कैसे उनका फाइनल पोर्ट्रेट सॉल्ट के ऊपर पाकिस्तानी फ्लैग के साथ उन्होंने बनाया है आमिर ने। अमेजिंग आर्टिस्ट, और डेफिनेटली अली सतपारा तो हमारे दिलों में हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन आमिर ने जिस तरह से उन्हें फीचर किया, गुड जॉब डन, वेरी वेल, वेरी वेल। सो बढ़ते हैं आज की थर्ड गुड न्यूज़ के जानिब। तौसीक, आपने अपने चाइल्डहुड में रूबिक्स क्यूब को प्ले किया है, मुश्किल लगता है या आसानी से बन जाता है? शदीद मुश्किल, बल्कि एक दिन एक बच्चे ने रूबिक्स क्यूब को यहाँ पे आके फीचर किया और मैं तो, मुझे तो समझ ही नहीं आई कि बना कैसे। आई थिंक अरजान था या कौन था हमारे बच्चे ने, कि वो तो मुझे तो, मैं तो दो लाइनें भी सीधी नहीं कर सका। ट्रू, ऐसे ही होता, मतलब मुझे खुशी है सिर्फ मैं नहीं, आप भी इस मुश्किल से गुजरे। हम जैसे बहुत से हैं इस दुनिया में, हम अकेले नहीं है रुबिका, हम जैसे और बहुत से हैं, और हमें फख्र है कि हमें रूबिक्स क्यूब की अलिफ बे भी नहीं आती। तो हम आपको बताते हैं कि ये जो मुश्किल काम है, आपकी हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे बच्चे से जिसने रूबिक्स क्यूब को डिजिटल कर दिया है। अच्छा जी। जी बिल्कुल, सावा ओस्पोफ की उम्र सिर्फ 16 बरस है और कोविड के दौरान सावा ने रूबिक्स क्यूब को डिजिटल करने का सोचा, इसलिए उन्होंने ऑनलाइन माहिरीन से कुछ मदद भी हासिल की। सावा का तैयार करदा डिजिटल क्यूब दरअसल आज मुख्तलिफ छोटे कंप्यूटर्स पर मुश्तमिल है और इसको अलग भी किया जा सकता है, हर स्क्रीन को टच करके गेम भी खेली जा सकती है और मिलाकर डिजिटल क्यूब की तरह भी खेला जा सकता है। इंटरेस्टिंग। आप देखें कि इनोवेशन जो है, जिद्दत जो है, वो कभी भी कहीं भी किसी भी ब्रेन में आ सकती है। 16 साल का नौजवान है और देखिए उसने पूरे रूबिक्स क्यूब को ट्रांसफॉर्म करके रख दिया। बच्चे बड़े तेज हैं, बहुत देना, मतलब मैं तो वो सोच रही थी जब हम होते थे हमें ये होता था ये पीले को नीले के साथ जोड़ लें, हाँ। वो इतना, लेकिन कंप्यूटर के साथ बनाना, उसकी स्क्रीन को अलग करना कि आप उसको सेपरेटली उसके साथ खेल भी सकते हैं, exactly. और उसको जोड़ के रूबिक्स क्यूब भी बना सकते हैं। देखिए यही नस्ल का फर्क होता है, हमारी जनरेशन अभी इसी में फंसी हुई है कि बाजी कहना है कि आंटी कहना है। हाँ, मतलब पता नहीं लोग कैसे हैं जो बाजी और आंटी, इसमें क्या बात है? अगर हाँ। बाजी कह दिया जाए तो कोई बुरी बात तो नहीं है, कोई बुरी बात नहीं, जरूरी है कि आंटी कहा जाए। तो अगली नस्ल क्या कर रही है रुबेका? हाँ। उत्थे फंसे हुए हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच, मजे का सेगमेंट था। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू तौसीक। हम चल के लेंगे साथियों एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ट्रेनर काशिफ हमारे साथ होंगे, और जैसा कि मैं प्रोग्राम के आगाज में आपको बता रहा था कि उन्होंने नहीं बताया कि आज का टॉपिक क्या है, कुछ सरप्राइज है, मुझे लग रहा है कि घंटियां पक रही है प्रोडक्शन टीम की और काशिफ की। लेट्स सी क्या होता है ब्रेक के बाद। Rise.